हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हैं देवेश ऑटो व्लॉग। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, यह है टाटा नेक्सॉन का XZ प्लस डार्क एडिशन, जो कि इसका नया, इसके अंदर जो नया एडिशन निकाला है वो ये है। थोड़े टाइम पहले निकाला था, अभी कुछ टाइम हो गया। इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इसके जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,60,000 रुपये इसके एक्स शोरूम प्राइस है। ये पेट्रोल वेरियंट है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है इसके अंदर, जो कि 118 BHP पावर निकालता है और 170 NM का इसके अंदर टॉर्क मिल जाता है। अच्छा खासा BHP पावर मिलता है, अच्छा खासा टॉर्क मिलता है इसके अंदर। ये इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है, ये 1,60,000 रुपये इसके एक शोरूम प्राइस है। पर डार्क एडिशन में आप देखे होंगे ऑनलाइन कि आपको सनरूफ वगैरह मिल रहा होगा, पर इसके अंदर सनरूफ नहीं मिलता है इस वेरियंट के अंदर। इसके अंदर या तो कस्टमर ने सनरूफ लिया नहीं, इससे उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो गई होगी। आप सनरूफ इसके अंदर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सबसे पहले इसकी फ्रंट से बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्रोम की फिनिश में यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है, और जो इसकी पूरी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ग्रिल है, पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी पियानो ब्लैक की फिनिश दी गई है, ऑल ब्लैक है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी वाइट वगैरह का या सिल्वर का कहीं से भी कुछ भी यूज नहीं किया गया। इसके हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, जो कि लो बीम हाई बीम पे भी यही काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैलोजन बल्ब मिल जाता है, ये येलो लाइट ही निकालता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको DRL मिल जाती है, जिसके अंदर ही इंटीग्रेटेड इंडिकेटर दिया गया है। नीचे की साइड फॉग लैंप मिल जाता है, जो कि हैलोजन बल्ब में मिलता है, क्योंकि येलो लाइट निकालता है, अच्छा लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैट की फिनिश दी गई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। नीचे की साइड यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर के लिए ग्रिल दी गई है, यहाँ पर ड्राइव शेप दी गई है। जो और टाटा की गाड़ियाँ हैं उसके अंदर सिल्वर वगैरह का इसका यूज़ करते हैं, जैसे EV में ब्लू का, नॉर्मल टाटा नेक्सॉन में सिल्वर का यूज़ करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं। इसका प्लेट भी इसकी जो बॉडी कलर में मिलती है ब्लैक कलर में, मैट की फिनिश में, यहाँ पर भी मैट की फिनिश दी गई है। अब इसका आप एक बार ओवरऑल फ्रंट का लुक चेक कर लीजिए कैसे क्या लगती है। अब इसका साइड लुक की बात करें, साइड से भी आपको मैं चेक करा देता हूँ कैसे क्या लगती है साइड से। देख सकते हैं यह इसका साइड का लुक, साइड से भी ऑल ब्लैक है, कहीं से भी कुछ भी इसके अंदर सिल्वर या किसी चीज़ का भी टच नहीं मिलता। इसके टायर की बात करें तो इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, इसके एलॉय व्हील से वो डायमंड कट की शेप में मिलते हैं, पर ये भी ब्लैक कलर में मिलते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टाटा का लोगो दिया गया है। इसकी साइज़ की बात करें तो मैं आपको इसकी साइज़ भी चेक करा देता हूँ क्या साइज़ मिलती है इसकी। यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 245/60R 16 inches का इसके अंदर टायर मिल जाता है, जो कि अच्छा टायर, अच्छी खासी साइज़ मिल जाती है। और ये ब्लैक कलर की इसकी अलॉय व्हील दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से व्हील बेस एरिया दिए गए। यहाँ पर क्लैडिंग मिल जाती है, फुल बॉडी क्लैडिंग दी गई है मैट की फिनिश में। यहाँ पर फेंडर पर डार्क की बैजिंग मिल जाती है, हैश डार्क, जो कि और ये भी डार्क सिल्वर क्रोम की फिनिश मिलता है, जो कि अच्छा लगता है। और इसके ORVM की बात करते हुए ऑटो एडजस्ट एंड ऑटो फोल्डेबल दोनों दिया गया है। यहाँ पर इसका इंडिकेटर मिलता है, ये बॉडी कलर में मिलता है ब्लैक की फिनिश में। इसको ऑटो एडजस्ट वगैरह आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। डोर हैंडल की बात करें तो ये भी आपको डार्क की फिनिश में मिलता है ब्लैक कलर में, बॉडी कलर में। यहाँ पर कीलेस एंट्री वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ऊपर की साइड आपको रूफ रेल देख सकते हैं, वो भी ब्लैक कलर में दी गई है। यहाँ पर क्लैडिंग, डोर क्लैडिंग, ये भी आपको ब्लैक में मिलती है। अब चलते हैं इसके रियर लुक की तरफ। रियर लुक में आपको चेक कराता हूँ कैसा क्या है इसका रियर का लुक। देख सकते हैं रियर का लुक भी इसका जिस तरीके से मिल जाता है, जो कि अच्छा लगता है। ये भी पूरा डार्क में मिलता है, जैसे कि नेक्सॉन में यहाँ पर आप देखते होंगे यहाँ पर वाइट की फिनिश आती थी। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सिल्वर की फिनिश है, ग्रे की फिनिश है, वो इसके अंदर वाइट की फिनिश आती थी, सिल्वर की फिनिश अदर कलर की वो इसके अंदर नहीं मिलती। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम की फिनिश में टाटा का लोगो मिल जाता है। नीचे की साइड नेक्सॉन की बैजिंग दी गई है, ये भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये भी ब्लैक कलर में मिलती है, जो कि अच्छी लगती है। यहाँ पर बूट वगैरह सेंसर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर रिवर्स कैमरा दिया गया है। नीचे की साइड दो पार्किंग सेंसर मिल जाता है, दो रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। इसके टेल लैम्प की बात करें तो यहाँ पर ये LED का सेटअप मिलता है, जो कि ऑलवेज ऑन मोड पे काम करता है। यहाँ पर ब्रेक लाइट मिलती है, भी LED में मिलती है, ब्रेक वगैरह प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन ऑफ होगी। यहाँ पर रिवर्स लाइट मिल जाती है, जो कि हैलोजन बल्ब दिया गया है। यहाँ पर इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब में मिलता है। रियर में डिफोगर प्लस वाइपर दोनों दिया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक लाइट दी गई। ऊपर छात पर एंटीना मिलता है, वो ब्लैक कलर में दिया गया। इसके अंदर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है, अलग से लगा हुआ नहीं है ये। इसका करता हूँ मैं बूट ओपन, बूट में क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं 350 लीटर का इसका बूट स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा डिसेंट स्पेस दिया गया है इसके अंदर। पार्सल ट्रे भी आपको कंपनी के थ्रू मिल जाती है। यहाँ पर लैंप दिया गया है,
अब इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो इसके अंदर सेम उसी साइज़ का स्पेयर व्हील मिल जाता है, जैसे कि आपने नॉर्मल इसका स्पेयर व्हील देखा सेम 245/60 R16 इंच का, 16 इंच का इसके अंदर स्पेयर व्हील दिया गया है। अब मैं कर लेता हूँ इसको बूट, इस साइड से भी आपको मैं इसको चेक कराता हूँ कैसे क्या लगती है कार। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका साइड का लुक है। 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ, ड्राइवर साइड डोर में क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसकी की चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी की मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट की। यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं, यहाँ से इसको अनलॉक, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे उसका हेडलैम्प ओपन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और यहाँ से इसको होल्ड करके रखेंगे तो इसका बूट अनलॉक हो जाएगा। चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है ड्राइवर साइड, यहाँ से कुछ इस तरीके से बंद होकर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लेदर की फिनिश में सॉफ्ट टच दिया गया जो कि अच्छी बात है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ग्लोसी ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। अदर में आपको यहाँ पर सिल्वर की फिनिश मिलती है, डार्क ग्रे की वो नहीं मिलती। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका जो इसका डोर लीवर है वो भी पियानो ब्लैक की फिनिश में दिया गया है। और जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोतल होल्डर है वो मिल जाता है, कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पर इसके जो ORVM को राइट लेफ्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। सीट्स है वो हाइट एडजस्टेबल सीट्स का इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। और जो सीट्स है वो फैब्रिक में नहीं मिलती, लेदर में सीट्स मिलती है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर वाइट कलर की स्ट्रेचिंग दी गई है, यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरी लेदर की सीट्स दी गई है इसके अंदर। यहाँ पर 3 पेडल्स मिल जाते हैं, डेडिकेटेड डेड पेडल नहीं मिलता इसके अंदर। अब चलते हैं इसके अंदर बेल्ट के अंदर से क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर फ्यूल टैंक का लीवर दिया गया, यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टोरेज एरिया दिया गया। इस साइड कुछ भी नहीं मिलता, इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन उस साइड मिलता है। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर से क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसके स्टेयरिंग की बात करें तो फुल लेदर रैप इसका स्टेयरिंग मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाता है, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं दी गई। यहाँ पर बिल्कुल पियानो ब्लैक की फिनिश में मिलता है, पूरा लेदर रैप मिलता है जो कि अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रोम की फिनिश दी गई है। और इसका जो क्लस्टर है वो आप देख सकते हैं, और इसका स्टीयरिंग आप देख सकते हैं टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया इसका स्टीयरिंग। अब मैं करता हूँ इसका इग्निशन ऑन, कुछ इस तरीके से इसका क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से RPM मीटर दिया गया की गई है। जब ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से इसका स्पीडोमीटर दिया गया, यहाँ पर RPM मीटर दिया गया, यहाँ पर फ्यूल वगैरह का मीटर, टेम्परेचर वगैरह का दिया गया, और बीच में डिजिटल मीटर दिया गया जो अच्छा लगता है। और वॉर्निंग वगैरह के सबके फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नोब मिल जाता है, वैसे इसके ट्रिप चेंज वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज वगैरह का सबका वॉर्निंग बता देता है। डैशबोर्ड की बात करें तो ऑल ब्लैक कलर में सब कुछ ब्लैक में मिलता है इसके अंदर, दूसरे कलर का यूज ही नहीं किया गया ओनली टाटा के लोगों के अलावा। यहाँ पर पूरा ब्लैक की फिनिश मिलता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्लैक की फिनिश में दिया गया। यहाँ पर इसके एसी वेंट्स वगैरह सब ब्लैक की फिनिश में, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्सॉन की बेजिंग ये भी डार्क क्रोम की फिनिश में मिलती है। यहाँ पर हेजल लाइट का बटन मिल जाता है, 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। टोटल इसके अंदर 8 स्पीकर मिल जाते हैं ट्विटर सहित। नीचे की साइड ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल दिया गया है, यहाँ से इसका बूट वगैरह ओपन कर सकते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से जो कि इसके अंदर डोर पर डोर की जगह यहाँ पर शिफ्ट कर दिए इसके कुछ सिस्टम वगैरह ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल, यहाँ से कुछ इस तरीके से अनलॉक ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल गियर मिलता है। इसका मैं आपको कैमरे की क्वालिटी भी चेक करा देता हूँ, देखते हैं कुछ इस तरीके से इसकी कैमरे क्वालिटी ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया और USB पोर्ट दिया गया इस तरीके से। यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरी पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। 3 मोड्स मिल जाते हैं इसके अंदर, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, अलर्ट भी आता है इकोनॉमिक मोड लगा दिया, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। यहाँ से इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है, यहाँ पर ये जो इसका हैंड ब्रेक है यहाँ पर भी क्रोम की फिनिश दी गई है। और इसका स्टोरेज वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं आर्मरेस्ट मिलता है, ये भी लेदर में मिलता है, वाइट स्ट्रेचिंग मिल जाती है इसके अंदर। स्टोरेज एरिया यहाँ पर फुल स्टोरेज एरिया, कप होल्डर भी इसके अंदर ही मिल जाते हैं।
इसी स्टोरेज में अंदर अच्छा खासा डिसेंट स्टोरेज मिल जाता है। नेक्सॉन का तो आपको पता ही होगा नेक्सॉन के अंदर कितना क्या स्टोरेज दिया गया है। इसका ग्लव बॉक्स है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर कूल्ड वगैरह का सिस्टम प्लस लैंप वगैरह मिलता है और डीप बहुत डीप स्टोरेज मिल जाता है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स नेक्सॉन के अंदर ही आता है। ये इसका IRVM में, ये ऑटो एडजस्टेबल नहीं मिलता, मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सन वाइजर है, यहाँ पर टिकट होल्डर दिया गया ड्राइवर साइड। पैसेंजर साइड आपको मिरर मिल जाता है, LED लाइट आप देख सकते हैं ऑन होती हुई। यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया, इसके रूफ वगैरह सब ब्लैक मिलती है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जिसके ये भी है वो भी ब्लैक कलर में ही दिए गए। फोल्डेबल ग्रैप हैंडल मिलते हैं, ये भी ब्लैक कलर में मिलते हैं। फ्रंट में दो एडजस्टेबल हेडरेट्स मिल जाते हैं, रियर में भी दो एडजस्टेबल हेडरेट्स दिए गए हैं। चलते हैं रियर की साइड, रियर में क्या कुछ मिल जाता है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से इसका इंजन स्टार्ट स्लो बटन दिया गया है। अब चलते हैं रियर साइड, रियर में क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। रियर डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका रियर का डोर मिल जाता है सेम फ्रंट के जैसे। यहाँ पर पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। पावर विंडो कंट्रोल यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पर भी ब्लैक पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। यहाँ से इसको ऑफ वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट, यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट, कुछ स्टोरेज एरिया बोतल वगैरह रख सकते हैं आसानी से। ये देख सकते हैं कुछ इसकी रियर की सीट्स है वो भी आपको लेदर में मिलती है। अब बैठता हूँ मैं गाड़ी के अंदर, अंदर से भी आपको मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं रियर से कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड लगता है। अब इसके लेग रूम की बात करें तो अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है मेरे को और स्पेस वगैरह भी ठीक मिल रहा है। लेग रूम देख सकते हैं आप, मेरे को अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है, स्पेस वगैरह भी अच्छा मिल रहा है। आगे की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, 5'11" मेरी हाइट है। रियर में AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पियानो ब्लैक की फिनिश दी गई। रियर में कोई भी आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं मिलता। रियर में आपको ये देख सकते हैं आर्मरेस्ट दिया गया है और दो कप होल्डर भी मिल जाते हैं इसके अंदर और दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए। ग्रैप हैंडल कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर कोट होल्डर भी दिया गया है, इस साइड भी आपको कोट होल्डर दिया गया है। बस यही था इसके अंदर। नेक्सॉन XZ प्लस डार्क एडिशन, इसमें सनरूफ नहीं मिलता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।